प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवित और भला चंगा रखा। हालेलुया, हम खुश और आनंदित हैं क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए जो दिन ठहराया। प्रेज द लॉर्ड, हम जीवित हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम एक बार फिर से परमेश्वर के चरणों में आ पाए। प्रेज द लॉर्ड, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने पूरे हफ्ते भर संभाला और पूरा हफ्ता भर हमें शिक्षित किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज ये जो नया सप्ताह है, परमेश्वर की आशीष को लेने जा रहे हैं और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया सप्ताह जोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड, ताकि हम उसमें आनंदित, खुश और आशीष को पाएं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रभावशाली और सामर्थ्य है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ साथ रहता है, परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। तो आइए हम परमेश्वर की वाणी को सुने, परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर की वाणी आज हमसे क्या कहना चाहता है। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसका 105, सभी को याद होगा। उसमें ऐसा लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्जियाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उज्जियाला है। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप कोई भी कार्य करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, परमेश्वर के वचन को थाम लीजिए, परमेश्वर की वाणी को सुनिए पहले, उसके बाद अपने कार्य को करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आदि में वचन था, है ना, परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था और वो वचन क्या है, परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, इस जगत की उत्पत्ति वाणी से हुई, परमेश्वर के मुख से निकलने वाली हर वाणी से ये सृष्टि हुई। हालेलुया, और ये वचन आज थाम लीजिए। मेरे दोस्तों, जब आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपनी समझ का सहारा ना लें। कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं और हम अपने आप करने लग जाते हैं और वो हमारा काम बिगड़ जाता है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए मार्गदर्शक है, वो हमारे लिए रास्ता खोलता है, हमें किस प्रकार चलना है, क्या करना है, ये परमेश्वर का वचन बताता है। और परमेश्वर की वाणी के अनुसार करें तो परमेश्वर आपके हर काम में सहायता करेगा, हर काम में सफलता देगा। क्योंकि यहोशू को परमेश्वर ने कहा, तू जहां जहां जाएगा तेरा कार्य सफल होगा, जिस कार्य में तू हाथ डालेगा वो काम सफल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने जो वाचा दी है, परमेश्वर ने जो वाचा हमारे साथ किया है, वो वाचा को पूरा करता है। लेकिन हम कई बार परमेश्वर की वाणी को नहीं सुनते हैं, कई बार हम परमेश्वर की वाणी को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमारे जीवन में परेशानियां आती रहती है और वो खत्म नहीं होती है। कुछ काम करने के लिए हम जाते हैं, वो काम बिगड़ जाता है। आदि से ही परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की वाणी से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई। मेरे दोस्तों, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर की वाणी को सुनिए, परमेश्वर की वाणी को अपने जीवन में बोलिए और कहिए, आज ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, आज मैं जिन दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, वो इस वचन के द्वारा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, वो हमारे मार्ग के लिए उज्याला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम कुछ हमारा जीवन यापन करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की वाणी हमारे जीवन में होनी चाहिए, पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, ये जो वाणी है परमेश्वर की वाणी है और यही वाणी हमें जिलाती है, यही वाणी हमारे जीवन को यापन करने के लिए, हमारे जीवन को जीने के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उज्याला हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हो सकता है आज आप किसी ऐसी मुसीबत में होंगे जो आपको अंधियारा लग रहा होगा। मुझे बार बार परमेश्वर की आत्मा बोलती है कि परमेश्वर की वाणी की घोषणा कीजिए, परमेश्वर की वाणी को बताइए, परमेश्वर की वाणी तुम्हारे लिए उज्याला है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर की वाणी हमारे जीवन में उज्यालों को लेकर आती है। आज हो सकता है आप किसी बीमारी में पड़े होंगे, हो सकता है आप किसी अंधेर में पड़े होंगे। अंधेर का मतलब ये नहीं कि लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, नहीं 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 मेरे दोस्तों, हो सकता है आप किसी पाप के गुलाम में होंगे, हो सकता है आप किसी गरीबी अवस्था में होंगे, हो सकता है आप किसी बीमारी की अवस्था में होंगे, लेकिन प्रभु का वचन थाम लीजिए। ये प्रभु की वाणी आपको जिलाएगी, प्रभु की वाणी आपको छुड़ाएगी, प्रभु की वाणी आपको आजाद करेगी।
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की वाणी को थाम लीजिए और आज दिन की शुरुआत इस वाणी से कीजिए, इस वचन से कीजिए। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी रखवाली, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। तो आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं और प्रार्थना में जाएं और प्रभु की वाणी को ले लीजिए, क्योंकि आदि में परमेश्वर का वचन था और वही वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर ही था। प्रेज़ द लॉर्ड, वो वचन हमारे पांव के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी अपनी समझ का सहारा ना लें, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। संपूर्ण मन से यहोवा की वाणी को लीजिए, संपूर्ण मन से परमेश्वर के साथ हो लीजिए। परमेश्वर आपके टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करने जा रहा है, आपके बिगड़े रास्ते को सीधा करने जा रहा है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते को सीधा करने जा रहा है। दोस्तों, परमेश्वर की वाणी को ले लीजिए, प्रभु की वाणी को ले लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति पर विराजमान खुदा तेरा धन्यवाद, स्तुति पर विराजमान ईश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। खमा बाबा रशकनला रथिनला रदा बनला रबा। यीशु मसीह के नाम से तेरी वाणी के लिए आपका धन्यवाद खुदा, आपकी वाणी के लिए आपका धन्यवाद यीशु। आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, क्योंकि आप राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। मेरे खुदा, मेरे स्वामी, हम अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है यीशु। पिता परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हो सकता है पिता परमेश्वर आज कोई मुसीबत में होंगे, हो सकता है पिता परमेश्वर उनकी परेशानी होगी, लेकिन पिता परमेश्वर आपकी वाणी उन्हें छुड़ाने वाली हो सके, आपकी वाणी उनके लिए, उनके पांव के लिए दीपक, उनके मार्ग के लिए उजियाला होने पाए आज यीशु मसीह के नाम से। नीति वचन 3:5-6 के अनुसार वो जीवन बिताने वाले बन जाए प्रभु। अपनी समझ का सहारा ना लें पिता परमेश्वर, हम हमारे जीवन में हम अपनी समझ का सहारा ना लेने वाले बने प्रभु। हमें इतना ज्ञान दे, इतना बुद्धि दे, इतनी सामर्थ्य दे हम, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बन सके प्रभु। कई बार हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं परमेश्वर, इसलिए हमारा कई बार हमारा काम बिगड़ जाता है, कई बार हमारे उबड़ खाबड़ रास्ते और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हमारा जो सीधा रास्ता होता है वो भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर तेरे वाणी के अनुसार नहीं चलते परमेश्वर। लेकिन तेरा वचन कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरा सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज की ये वाणी मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में आशीष की घोषणा करता हूँ और ये वाणी पिता परमेश्वर उनके जीवन में जय की घोषणा करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, यदि कोई परेशानी में है, अंधकार में है, परेशानियों के अंधकार में है, गरीबी के अंधकार में है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी हर प्रकार की बेरोजगारी, हर प्रकार की कमजोरी, कष्ट, पीड़ा दूर होने पाए परमेश्वर। आज विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, उनके जीवन से हर प्रकार का क्लेश खत्म हो जाए, उनके जीवन से हर प्रकार की गरीबी खत्म हो जाए, उनके जीवन से हर प्रकार का संकट खत्म हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में तेरी वाणी पिता परमेश्वर उनके पैरों के लिए दीपक और उनके मार्ग के लिए उजियाला होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से तेरी वाणी की घोषणा करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से तेरी वाणी को पिता परमेश्वर हमारे प्रिय भाई बहनों के ऊपर बोलता हूँ पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से आशीष दीजिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, विशेष करके प्रभु उस बहन के लिए जो पिता परमेश्वर जिसके पास कोई संतान नहीं है खुदा, आज वो परेशान में है, लेकिन पिता परमेश्वर उसके जीवन के लिए तेरा वचन ही पिता परमेश्वर उसके पैरों के लिए दीपक और उसके मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से तेरी वाणी को मैं आशीष के रूप में बोलता हूँ। प्यारी बहन, पिता परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। प्यारी बहन, आपको परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है बंधन से, शैतान के हर एक बंधन से छुटकारा देने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, वंश देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खमा बाबा रशकनला रथिनला रबा। पिता परमेश्वर, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, उसको कैंसर है प्रभु, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके कैंसर को खत्म कीजिए प्रभु।
वो बोल नहीं पाती है, चल नहीं पाती है, लेकिन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तेरा वचन उसे जिलाएगा। परमेश्वर तेरा वचन उसको सामर्थ्य देगा। परमेश्वर तेरा वचन उसके पैरों के लिए दीपक और उसके मार्ग के लिए उजियाला होगा और वो भलीचंगी होने पाए यीशु के नाम से, और वो भलीचंगी होने जा रही है। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ खुदा। पिता परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से मैं तेरे पास लाता हूँ उस बहन को, तुझ चंगाई दीजिए, तुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिसके घर में पिता परमेश्वर बेरोजगारी है, उसे रोजगार दीजिए परमेश्वर यीशु के नाम से, उसको रोजगार दीजिए खुदा, उसकी गरीबी खत्म हो जाए प्रभु। उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कर्जे में डूबा हुआ है प्रभु। पिता परमेश्वर जो तुझे नहीं जानते थे पिता परमेश्वर, तब से शैतान ने उनको कर्जे में डाल रखा है प्रभु, लेकिन पिता आज तू उनको छुटकारा देने जा रहा है। पिता परमेश्वर तेरा वचन ही उनके लिए है प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से तेरा वचन उनको आशीष देने पाए और उन्हें छुटकारा देने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ प्रभु तेरी महिमा करने वाला बन जाए आने वाले दिन प्रभु। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उसकी भी परिस्थिति बदल जाए। विश्वास में अकेला है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में उसके परिवार के साथ आपकी महिमा करने पाएगा। यस लॉर्ड, वी थैंक यू एंड वी प्रेज योर लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम। धन्यवाद यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, और पिता परमेश्वर जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उन सभी को मैं तेरे पास लाता हूं। और पिता परमेश्वर यह आज का वचन पिता परमेश्वर, आज के दिन की शुरुआत पिता परमेश्वर एक आशीष के साथ होने पाए, और पिता परमेश्वर इस वचन को बोलने वाले बन जाएं यीशु के नाम से, इन वचनों को हमारे जीवन में लागूकरण करने वाले बन जाएं परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं, और जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है सभी को मैं पिता तेरे पास लाता हूं, और पिता परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं को तो हाँ और आमीन में उत्तर देने जा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। ये पूरा सप्ते भर हमें आशीष देने जा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, क्योंकि आप उसके योग्य हैं पिता यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलें, प्रभु की वाणी को सुने और परमेश्वर की वाणी को पढ़ें, और अपनी समझ का सहारा ना लें। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। ये सप्ताह भर आप आनंदित और खुश होने जा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो प्रार्थना निवेदन दीजिए, स्वाटर कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, इन वचनों को, प्रार्थनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले दिनों में ये दुनिया प्रभु यीशु मसीह को जानने वाली बन जाए और प्रभु की महिमा करने वाली बन जाए। हालेलुया। ये वचन कोने कोने तक पहुंच जाए, ये हमारी आशा है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें, सबको जय मसीह की।